आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक लेक्चर और आगे बढ़ेंगे। आज हम कमीशन्स एंड कमेटीज़ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हमने ब्रिटिश रूल इन इंडिया की सीरीज़ चलाई, सबकी लाइफ पढ़ाई आपको अलग अलग से। वो विलेज लाइफ थी या ट्राइबल लाइफ थी, वो एक आर्टिजन की लाइफ थी, क्राफ्टमैन की लाइफ थी या एक आर्टिस्ट की लाइफ थी, वो एक सिटी डेवलपर की लाइफ थी या फिर एक स्टूडेंट की लाइफ थी। हमने हर पहलू आपके सामने खोल के रखा। इसी तरह से उन चीज़ों को समझते हुए आज आगे बढ़ना ज़रूरी है। आज हम कुछ कमीशन्स एंड कमेटीज़ करेंगे, यानी कि जिन चीज़ों को अभी हमने कंसेप्चुअली समझा है उनको फैक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना भी ज़रूरी है। हमने डिफरेंट प्रोसेसेस की ग्रोथ को ट्रेस करना ज़रूरी है, उसके क्रमवार तरीके को समझना ज़रूरी है। इसमें कई तरह की आज कमेटीज़ एंड कमीशन जिक्र होगा और इसमें शुरुआत हम एजुकेशन से ही करते हैं। हम पहले के लेक्चर में भी एजुकेशन का जिक्र कर चुके हैं। हमारे पहले लेक्चर्स में जो स्टूडेंट्स लाइफ थी उसमें एजुकेशन का हिस्सा बहुत बड़े लेवल पे कवर हुआ। एक एक कंसेप्ट हमने जोड़ करके बताया। आज हम आपको जब एजुकेशन पढ़ाने जा रहे हैं तो ये वाइंड अप है। हमारे फर्स्ट टू लेक्चर्स और आज के लेक्चर को जोड़ लीजिएगा, एजुकेशन का टॉपिक मजबूत हो जाएगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, इतना क्यों पढ़ना है एजुकेशन? देखिए, जब आप UPSC की बात करते हैं इसमें हर स्टेज को आपको एकोमोडेट करके चलना है, और प्रीलिम्स हैं, मेंस हैं, इंटरव्यूज़ हैं। प्रीलिम्स में अगर आप जनरल नॉलेज, GK को क्वेश्चंस जिसे हम कहते हैं, वैसे जनरल स्टडीज़ है ये, उनके क्वेश्चंस के लिए एजुकेशन सिस्टम ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री बड़े लेवल पर UPSC का पार्ट है सिलेबस का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइज तो ये इंपॉर्टेंट है ही, मेंस में ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम जनरल स्टडीज़ की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज़ में भी, जनरल स्टडीज़ पेपर वन में हिस्ट्री क्लियर कट मैंशनड है, उसमें ये आता है। लेकिन अगर हम इसके अलावा देखें तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टॉपिक इंडक्ट किया हुआ है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के अंदर, उसका भी ये बहुत बड़ा हिस्सा। उसके तहत अगर आपको एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की आज की डेट में क्या दशा या दिशा है उसके बारे में बात करने को कहा जाए तो आपको इसके हिस्टोरिकल ट्रेस देने पड़ेंगे। आपको यह पता लगाना है अगर कि कमियाँ कहाँ निहित हैं, उसके लिए पास्ट हिस्ट्री समझनी होगी, उसके लिए ब्रिटिश रूल के दौरान एजुकेशन सिस्टम समझना ज़रूरी है। तो जनरल स्टडीज़ के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑप्शनल की बात करें, जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे लगातार सवाल क्वेश्चन आते रहे हैं। बात आती है कि इस टॉपिक की और इंपॉर्टेंस कहाँ है, तो ऐसे का पेपर, ऐसे के पेपर में पिछले 4-5 साल से आप ऐसे खोल करके देखिए, एजुकेशन सिस्टम की यूटिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम के खोखलेपन को दिखाने की बात की जा रही है, मॉरल वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही हैं, टेक्निकली हम ग्रो कर रहे हैं, एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन का मिसमैच है कंट्री में। इस तरह के अक्सर ऐसे आते रहते हैं, और वो ऐसे आप नहीं अटेम्प्ट कर सकते अगर आपने ब्रिटिश पीरियड में एजुकेशन सिस्टम को ट्रेस करते हुए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा तक आप एंटर नहीं हुए हैं। इंटरव्यू की अगर हम बात करें, इंटरव्यूज़ में अक्सर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी चेक करते हैं, कि आपकी जो अर्नड नॉलेज है अब तक, उन एनालिसिस के बेसिस पर आप सोसाइटी को कितना बेटर वे में एनालाइज करते हैं, आप सोसाइटी के साथ कितने रेलेवेंट हैं, उन्हें कितना बेटर सर्व कर सकते हैं विद योर अर्नड स्किल्स। उसके तहत आज की डेट में अगर हम देखें तो कोई भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कल्चरल एस्पेक्ट है उसके कोर में एजुकेशन है। आज अगर पॉलिसी प्रोवाइडर और पॉलिसी टेकर के बीच में कोई डिफरेंस अगर खड़ा है तो वो एजुकेशन का गैप है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट डेमोंस्ट्रेशन करती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि एजुकेशन की लैक की वजह से उसके बेनिफिट नहीं पहुँच पाते। उसके लिए आपको उसके लैक को आइडेंटिफाई करना है, ओनली देन यू कैन रीवैम्प द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। जब तक आप उसके बीच में छुपी हुई कमियों को नहीं समझेंगे आप उसे रिवाइव नहीं कर सकते, और इसी तौर पर आप बहुत से क्वेश्चंस इंटरव्यू के फ्लैक्सिबली आंसर नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू के आंसर हमेशा ऑर्गेनिकली डेवलप्ड लगने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सारे के सारे किसी ना किसी वे में आर्टिस्टिकली बहुत डेवलप किए गए हैं, मैनिपुलेटेड हैं। जितना ऑर्गेनिक आंसर्स आपके होंगे उतना बेटर इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में ऑर्गेनिक कैंडिडेट चलेगा, स्टीरियोटिपिकल चीज़ें नहीं चलेंगी, टाइपिफाइड एक्ट नहीं चलेंगे, पढ़ा रटा और बता दिया, ओके। उसके लिए नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका समर्थन हमेशा मिलता रहा है, इसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कमीशन एंड कमेटीज ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं आज इस नई सीरीज में, एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। बिगनिंग करते हैं। पहली, बहुत सी चीज़ें करा चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है दूरदर्शन के जितने भी हमारे सुनने वाले हैं कि आप हमारे पहले के लेक्चर भी सुने जिसमें ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्टूडेंट्स लाइफ का जिक्र किया गया है,
फिर ब्रिटिश की पॉलिसीज जिसमें सिविल सर्विसेज, आर्मी और इन सब के तहत एजुकेशन का क्या रोल रहा, हमने उसका जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन टॉपिक स्पेसिफिक रह सकें इसके लिए नई चीज़ों पर एम्फेसाइज ज़्यादा रहेगा। एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया की बात जब हम करें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम कौन देने वाला है। सबसे पहला एस्पेक्ट है कि दो तरह की ताकतों के बीच में हमें इसे एनालिसिस करना है। पहली जो ताकत है, अथॉरिटीज दो तरह की रहेंगी। पहले उसका कैरेक्टर रहेगा एक कंपनी के तौर पे, जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पे आपको इसे ऑब्जर्व करना है। सिस्टम चेंज हो जाएगा, बाद में आपको एनालिसिस करना है इसे अंडर द क्राउन, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस भारत में क्राउन कर देगा, और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन रिप्लेस करता है तो भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट ना होकर के फिर इंडियन गवर्नमेंट ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसके तहत अब हम शुरुआत करते हैं, समझने के प्रयास करते हैं, ज़रूरत क्यों आन पड़ी ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे ऊपर बात करने की। आप सब जानते हैं 1757 में प्लासी का बैटल हुआ था, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है किसके बीच हुआ था। यूपीएससी की तैयारी का बहुत ही ब्यूटीफुल एस्पेक्ट, जब जो पढ़ रहे हैं पिछला साथ लेके चलिए रिवाइज करते हुए, समय बिल्कुल नहीं बर्बाद होता, ये हमारा माइंडसेट है केवल। तो प्लासी का बैटल, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव, ओके, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दिया मीर जाफर ने और रॉबर्ट क्लाइव से आके मिल गया था, ट्रेचरसली जीती गई बैटल थी। लेकिन इसको जीतने के बाद बंगाल की गद्दी पर पपेट नवाब बैठाए जाने लगे कठपुतली अंग्रेजों की मदद से। इसके बाद एक बहुत डिसिसिव बैटल होती है, आप सब जानते हैं 1764 की बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर में भारत की उस समय की तीन बड़ी ताकतें हारती हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बता रहे हैं कौन सी, बंगाल के नवाब हार जाते हैं, अवध के नवाब हार जाते हैं, अवध नवाब भी हार जाता है, और तीसरी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो था द मुगल एम्पायर, शाह आलम टू मुगल एम्पायर। तो ये तीनों मिलकर के युद्ध करते हैं उस टाइम पर, और इन्हें अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो हराने का काम करते हैं, हेक्टर मुनरो। इस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनिकली याद रखा करो। हैं बैटल ऑफ बक्सर हार जाने के बाद डिफरेंट ट्रीटीज साइन होती हैं, इसमें से जो ट्रीटी मुगल एम्पायर के साथ साइन हुई इलाहाबाद में, यह है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बहुत ही डिसीजिव एंड इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, इसलिए बक्सर का बैटल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत 1765 में यह डिसाइड कर लिया गया था कि ब्रिटिशर्स को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाएगी। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी के राइट्स किन को दे दिए गए? ब्रिटिशर्स को। दीवानी के राइट्स का मतलब यह है कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स, रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट बंगाल, बिहार और उड़ीसा से, क्योंकि उस समय बिहार उड़ीसा बंगाल का ही हिस्सा माना जाता था, तो वो ब्रिटिशर्स को ये दे दिए गए। तो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स आने के साथ साथ ही ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामले, रेवेन्यू का असेसमेंट करना, रेवेन्यू का कलेक्शन करना, उनसे उनके द्वारा उठ रहे डिस्प्यूट का सोल्यूशन करना, तो एक तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे सही सेंस में दीवानी कहा जाता है, ये चला गया किनके हाथ में? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स के पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है तो उसको मैनेज करने के लिए आपको कचहरियाँ भी लगानी पड़ेंगी। तो ब्रिटिशर्स की एक नई मुहिम शुरू होती है, जुडिशियल सिस्टम देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को इन नए सिविल राइट्स के तहत। इस जुडिशियल सिस्टम को आप तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, आप अपनी अथॉरिटीज़ पे नहीं रख सकते जब तक उस समय वहाँ पर अवेलेबल लोकल कस्टम कल्चर मैनर आपको पता ही नहीं है। कस्टम कल्चर मैनर जिससे कि सोसाइटी चलती थी, बड़े लेवल पर न्याय कस्टमरी आस्पेक्ट पे बेस्ड होता था, वैल्यू सिस्टम सोसाइटी का इम्पॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉज अगर है तो मुस्लिम रूल था तो मुस्लिम सिस्टम फॉलो होता था, अगर सिविल अथॉरिटीज़ की बात करें, सिविल लॉज हैं दीवानी के मामले, तो वहाँ पर विलेज सोसाइटी स्ट्रांग है, लोकल कस्टम कल्चर मैनर चलते हैं,
जो कि हिंदू धर्म शास्त्रों पे बेस्ड है। तो हिंदू धर्म शास्त्रों का ज्ञान, रिलीजियस बुक्स की नॉलेज, वेदांत और उपनिषदों का ज्ञान, शरिया का ज्ञान, कुरान का ज्ञान, डिफरेंट स्कूल ऑफ आइडियोलॉजीज जो मुस्लिम्स के हैं उनका ज्ञान जरूरी है। इसी के तहत कुछ एक्टिविटीज होनी शुरू हुई और उसी के तहत 1781 में कलकत्ता मदरसा बनाया गया। और कलकत्ता का ये मदरसा बनाने का काम किया था वारन हेस्टिंग्स ने। तो वारन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता मदरसा बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो इंडिया में लॉ सिस्टम अपनाया गया था उसमें दीवानी के मामले यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो लोकल कस्टमरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निपटाए जाते थे, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स यानी कि फौजदारी के मामले मुस्लिम लॉ पे बेस्ड थे। मुस्लिम लॉ को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए, उसे फिजिबल बनाने के लिए, उसे अपने ऑफिसर्स को मुस्लिम लॉज के मामले में ट्रेंड करने के लिए, उस समय में भारत में पर्शियन लैंग्वेज वाज इंपॉर्टेंट। दैट वाज द लैंग्वेज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दैट वाज अ कोर्ट लैंग्वेज, दरबारी भाषा इसे हम कहते हैं। तो पर्शियन में ज्ञान होना चाहिए, अरबिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि इस्लाम की जो ट्रेस मिलते हैं वो तो अरब से मिलते हैं और वहीं से फिर आप पर्शियन लैंग्वेजेस में वो कस्टम्स और वैल्यूज़ फॉलो कर रहे हैं जो शायद कभी अरब वर्ल्ड के रहे हैं। तो अरबिक लैंग्वेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भारत में आने के बाद अमेलगमेशन ऑफ लैंग्वेजेस हुआ तो उर्दू का जन्म भी हो गया। तो पर्शियन, अरबिक, उर्दू वांट टू नो, आपको जानना जरूरी है। उसके लिए कलकत्ता मदरसा बनाया गया वारन हेस्टिंग के द्वारा ताकि यहाँ पर क्रिमिनल लॉज यानी कि मुस्लिम लॉज के बारे में समझा जा सके, कस्टम, कल्चर, मैनर, इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जा सके। समय थोड़ा सा आगे बढ़ा, वारन हेस्टिंग के द्वारा ही पोषित एक शख्स है जो हिंदू धर्म शास्त्र, हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, बुक्स, इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए जोनाथन डंकन, ये रेजिडेंट थे। जोनाथन डंकन रेजिडेंट हुए कहाँ के, 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई कहाँ पर, बनारस में। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन वहाँ पर रेजिडेंट रहे और इनके द्वारा ये स्थापित किया गया। इसका भी पर्पज़ वही है कि सिविल लॉज को बेटर वे में समझना है तो भारतीय धर्मशास्त्रों को समझना होगा, कस्टम, कल्चर, वैल्यू को समझना होगा, ये सारी चीज़ें चल रही। एक तरफ जहाँ इनके द्वारा ये किया जा रहा था वहीं पर एक एक्टिविटी यह भी हो रही थी कि भारत में जो डिफरेंट पोस्ट पर अपॉइंटेड लोग हैं जिनमें से ब्रिटेन से आए हुए के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन विलियम जोन्स जो कि जूनियर जज बनकर के आए थे कलकत्ता में, एक जुडिशियल पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे, अपनी ड्यूटियों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से कर सके, अपनी ड्यूटीज बेटर वे में परफॉर्म कर सके, उसके लिए उन्हें प्रिवेलिंग लॉज को अंडरस्टैंड करना जरूरी था। उसके लिए उन्हें क्रिमिनल लॉज एंड सिविल लॉज दोनों समझने थे, जिसके लिए उन्हें भारतीय ग्रंथ जो धर्मशास्त्र हैं, उपनिषद, ये सब समझना जरूरी था। ये सब समझते हुए उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अनलॉक किया, अनवाइंड किया। उन्होंने देखा कि इंडिया का पास्ट कल्चरली बहुत डेवलप्ड था, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया डिग्रेडेशन के फेज में एंटर हो गया था और आज इंडिया के डूम्स डे चल रहे हैं, बट कभी ये जेनिथ पे था सिविलाइजेशन के मामले में। इन चीज़ों को लेकर के उनके मन में भारतीय पुरानी सभ्यताओं को लेकर के सम्मान पैदा हुआ। और उनके क्या क्या बाकी एजेंडे थे वो हमारे पिछले लेक्चर को आप सुनिए, वहाँ पे हमने डिटेल में समझाया। विलियम जोन इन इच्छाओं से उत्प्रोत होकर के भारतीय कल्चर को समझते रहे। वो एक लिंग्विस्ट थे, उन्होंने भारत में आने के बाद संस्कृत भी सीखी, पर्शियन भी सीखी, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी ताकि वो इन ग्रंथों को पढ़ सकें और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। ये सारी चीज़ें करते हुए ही जब विलियम जोन्स को अपने जैसे और भी लोग वहाँ पर मिले, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन नथानियल हेलहेड थे, इन सबके मिल जाने की वजह से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई जो कि 1784 में स्थापित हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट डिबेट, मैं समझा चुका हूँ पहले कि दोनों के बीच में क्या डिबेट्स रही, दोनों के क्या तर्क थे, क्या पक्ष थे। आज हम कमीशंस के माध्यम से जा रहे हैं मेरे बच्चों, समझो, आज वो डिबेट्स नहीं, आज ये कंसेप्ट्स, ओके, उसके लिए आप वो लेक्चर सुनेंगे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई, इसके तहत एशियाटिक रिसर्चेज 1784 से एशियाटिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते थे, जिसके तहत इंडियन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस, इंडियन कल्चर, इंडियन स्क्रिप्चर्स, इंडियन बुक्स को लोगों तक पहुंचाया जाता था, उन्हें कन्वर्ट किया जाता था इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वारन हेस्टिंग्स हैं, जोनाथन डंकन हैं, विलियम जोन्स हैं, नथानियल हेलहेड हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ ओरिएंटलिस्ट क्रिएट हो गया। ओरिएंटलिस्ट बड़े मजबूत हो गए, ओरिएंटलिस्ट जो ये ईस्टर्न कल्चर
लैंग्वेजेस, कस्टम एंड मैनर को समझने की और इसको लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि भारत में एजुकेशन को जिम्मेदारी गवर्नमेंट समझे तो क्यों समझे, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करने का कारण क्या होगा, एजुकेशन कौन सी दी जाएगी, ओरिएंटल या एंग्लिसिस्ट, वेस्टर्न या ईस्टर्न, और एजुकेशन के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एजुकेशन को कराने का पढ़ाने का तरीका है, तो इंस्ट्रक्शन के मीडियम क्या होंगे, इंग्लिश होंगी या फिर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस होंगी, इस पर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। इसमें हमें एक पर्सन को समझना है जिसको हम छोड़ नहीं सकते। 1771 में एक पर्सन है बहुत इंपॉर्टेंट भारत में, इनका नाम है चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट और बाद में जाकर के विलियम विल्बरफोर्स, इनका मैं जिक्र करूंगा, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं। चार्ल्स ग्रांट इवेंजेलिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और ये मिशनरी एक्टिविटीज से कनेक्टेड हैं। चार्ल्स ग्रांट ये चाहते थे कि भारत में इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाए वाया इंग्लिश लैंग्वेज। 1771 में इसके तहत इनके द्वारा भारत में मिशनरी एक्टिविटीज़ करने का प्रयास भी किया गया। उस समय वारन हेस्टिंग्स ने इन्हें टिकने नहीं दिया, कारण यह था कि वर्ल्ड लेवल पर ब्रिटिशर्स अपनी दूसरी कॉलोनीज़ में मिशनरियों के द्वारा लोगों के कस्टम कल्चर मैनर में इंटरफेयर करने की वजह से, उनका धर्म परिवर्तन करना जिसे प्रोसेलिटाइजेशन कहते हैं, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स को अपनी सभी कॉलोनीज़ में बड़े लेवल पर रिवॉल्ट एंड प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। भारत में 1757 में प्लासी का बैटल और 1764 के बक्सर के बाद अभी नया नया डेवलप हो रहा इंडियन स्टेट, ऐसे में इस इन्फेंट स्टेज में वारन हेस्टिंग्स नहीं चाहते थे कि भारतीयों के कल्चर कस्टम मैनर को कोई ठेस लगे, ऐसा उन्हें फील हो, और ऐसे में वो रिबेलियस हो जाए, रिवॉल्ट करें और हमारे नवजात शासन को ही उखाड़ करके फेंक दें, इन्फेंट रूल को। चार्ल्स ग्रांट अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए। वारन हेस्टिंग्स ने डेलिबरेटली अवॉइड किया कि मिशनरी एक्टिविटीज़ एटलीस्ट ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया में तो लागू ना हो पाए। क्यों चार्ल्स ग्रांट का जिक्र किया अभी समझ आ जाएगा, अभी इनका यूसेज है। ये 1791 जोनाथन डंकन संस्कृत कॉलेज, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। 1800 का समय आया और आपको पता है समय भारत में वेलेसली शासक थे, गवर्नर जनरल। 1799 में टीपू सुल्तान को चौथे एंग्लो मैसूर वार में हराया उन्होंने, आप जानते हैं, श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर टीपू दरबार की रक्षा करते करते बर्बाद। वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कहाँ था, कलकत्ता, कलकत्ता क्या है, फोर्ट विलियम, तो वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया, ये भूलना नहीं है आपको। ये सारी जानकारियाँ मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिकली, आप याद रखें, रटाफिकेशन नहीं, क्योंकि लॉजिक से चल रहे हैं हम सब। कलकत्ता मदरसा सुन के रखता होगा जैसे एक कमरा, मेरी रिक्वेस्ट है घर जाके इंटरनेट पे एक बार कलकत्ता मदरसा निकाल के देखना और संस्कृत कॉलेज निकाल के देखना, हिलना गए तो बताना, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ फेल हो जाती हैं उनके सामने, ओके, एक बार निकालना। तो विलियम, फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाने का कारण ये था कि अब इनसे पहले कॉर्नवालिस थे भारत में, और कॉर्नवालिस के द्वारा सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की शुरुआत कर दी गई थी। कॉर्नवालिस ही हैं पुलिस सिस्टम भी चला करके गए। अब सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया की जब शुरुआत की गई है कॉर्नवालिस के द्वारा, तो कॉर्नवालिस ने इसके तहत यह प्रयास किया था कि कैसे इनको लोकल कस्टम कल्चर मैनर की जानकारी दी जा सके। वेलेजली ने इस सिस्टम को आगे बढ़ा दिया और वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया ही इसलिए गया था कि जो भारत में सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हें भारतीय लैंग्वेजेस, भारतीय लॉज, भारतीय रिलीजन, भारतीय कल्चर, कस्टम मैनर बताया जा सके। इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्हें नॉलेज दी जाती थी और फोर्ट विलियम कॉलेज एक इंपॉर्टेंट सेंटर बना। बाद में वेलेजली को वापस बुला लिया गया और फोर्ट विलियम कॉलेज को भी अबैंडन किया गया। ये कहानी भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी के लिए इतना समझिए कि इस सीरीज में 1781 का कलकत्ता मदरसा, 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1791 का संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, 1800 का फोर्ट विलियम कॉलेज है। ये सीरीज हमें अवॉइड नहीं करनी है, सीरीज है तो सब कुछ है। वापस आते हैं और अब हमें जिक्र करना है वापस से चार्ल्स ग्रांट का। 1813 तक चार्ल्स ग्रांट काफ़ी मजबूत हो चुके थे अपनी बातें रखने में। वो कैसे, कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी थी, वो क्या। 1793 में एक पर्सन है जो भारत आ गए थे, इन पर्सन का नाम था विलियम कैरे। विलियम कैरे का नाम अलग तरह से लिखा जाएगा, कभी ऐसे लिखा जाएगा, कभी ऐसे लिखा जाएगा, ये सेम पर्सन है, विलियम कैरे, विलियम कैरे, ओके। तो विलियम कैरे 1793 में, ये एक बैप्टिस्ट मिशनरी थे, बैप्टिस्ट मिशनरी जो बैप्टिज्म करते हैं
बैप्टिज्म मतलब आपको पता, जैसे अमृत छकाना सेरेमनी परफॉर्म करके, सेक्रेड नेक्टर, नेक्टर का पान करा के किसी को अमृत छका करके अपने कल्चर कस्टम में लेकर के आना, अपने सेक्ट में लेके आना, अपने स्कूल ऑफ थॉट में लेके आना। तो विलियम कैरिक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये 1800 में भारत आ गए, 1793 में भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्हें ब्रिटिश डोमिनेटेड एरिया में तो जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अवॉइड कर रहे थे मिशनरी एक्टिविटीज़ को, तो मजबूरन इन्हें जाना पड़ा वेस्ट बंगाल हुगली के किनारे, जहाँ पे डैनिश कंपनी का रूल है। और डैनिश कंपनी के पास भारत में दो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी, एक आपको पता है ट्रेंकोबार इन द साउथ, एंड एक आपको पता है सीरमपुर। तो सीरमपुर हुगली के किनारे वेस्ट बंगाल, ये वहां गए। 1800 से इन्होंने प्रयास किए, डेनिश लोगों ने इनको समर्थन दे दिया, इसी की वजह से अपनी मिशनरी एक्टिविटीज के तहत इन्होंने 1818 में सीरमपुर कॉलेज बनाया। आज बंगाल का द फेमस सीरमपुर यूनिवर्सिटी यही है, ओके। और इस सीरमपुर कॉलेज को बनाते हुए इनका पर्पस इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना था। विलियम कैरे को ऐसा लगता था कि जब इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से वेस्टर्न एजुकेशन लोगों को मिलेगी, वो नई साइंस, नई लॉजिक, नई रैशनल्स को समझेंगे, तो उनका अपने रिलीजन से फेथ उठेगा, क्योंकि सुपरस्टिशन रैम्पेंट है भारत में। और जब उनका फेथ अपने रिलीजन से उठेगा, नेचुरली वो नए लिबरल रिलीजन को अपनाएंगे, जिसका फेथ, जिसका आइडियोलॉजी बहुत ही रैशनल है, लॉजिकल है, और वो है क्रिश्चियनिटी। तो अंदर ही खाते इनका पर्पस तो यही था कि ये प्रोसेलिटाइजेशन करना चाहते थे, धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, बट वाया एजुकेशन। ये चाहते थे लोग स्वयं से स्वीकृति रखें इस चीज़ की, उसके लिए इन्होंने सीरमपुर कॉलेज भी बनाया। लेकिन विलियम कैरे की एक देन भारत को ये रही है कि जहाँ एक तरफ इंग्लिश एजुकेशन बेस्ड ये कॉलेज बनाया, वहीं 1820s के दौरान यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेसेस लगा करके इन्होंने किताबें छापनी शुरू करी। भारत के एंड पर एक बहुत बड़ा हैंडीकैप क्या रहा, जहाँ पूरे यूरोप में 1620 ऑनवर्ड्स एजुकेशन सिस्टम प्रिंटेड मटेरियल पर बेस्ड हो गया था और स्कूल एजुकेशन बुक्स के वाया दी जाती थी, वहाँ भारत आज भी ओरल लर्निंग पर बेस्ड था। इसको यूरोपियंस ने हैंडीकैप बताया, लेकिन भारतीय और बाद में जाकर के गांधी जी ने भी इसका खंडन किया है कि द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ द ओरल लर्निंग इज कि आप चीज़ों को लंबे समय तक अपने अंदर रखते हैं, बार बार रिसाइट करते हैं, और वो ज़्यादा लोगों तक फैल सकती हैं, बिकॉज ओरल लर्निंग बहुत तेज़ी से फैलती है, और एक बार में ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर सकते हैं आप। बुक्स परचेज नहीं कर सकते, कई बारी प्रिंटिंग के मोहताज हो सकते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए ग्रामर आनी जरूरी है, वर्ड सीखने जरूरी है, वर्णमाला का पता होना जरूरी है, बट ओरल लर्निंग बहुत ही यूनिवर्सल लर्निंग होती है, ज्ञान सीधा दूसरे में ट्रांसफर होता है। ऐसा हमारा कल्चर था, लेकिन ये एक हैंडीकैप हुआ एक समय में आकर के, क्योंकि हर चीज़ को ओरल एस्पेक्ट में आप नहीं रख सकते, क्योंकि नॉलेज एंड कल्चर बेस्ड लॉस भी हो जाता है, फिर मिस इंटरप्रिटेशन के स्कोप बहुत रहते हैं, ओरली किसी ने क्या बताया, आपने क्या इंटरप्रेट किया, चौथे पर्सन तक पहुँचते पहुँचते वो बदल जाती है। इसका लिखा जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसकी सही कॉपियाँ रेप्लिकेट करके नॉलेज सक्सेसिव जनरेशन में एज इट इज़ ही ट्रांसफर कर सके। तो यूरोपियंस ने भारत आने पर देखा था कि भारत में इस तरह की राइटिंग बेस्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं है, जबकि यूरोपियंस ने यह भी देखा था 1780s ऑनवर्ड भारत में कई एजुकेशन रजिस्ट्रार अपॉइंट किए गए। उन एजुकेशन रजिस्ट्रार्स की रिपोर्ट्स बाद में अवेलेबल हुई इंडियन जर्नलिस्ट और ब्रिटिश जर्नलिस्टों को भी, तो उन जर्नल्स में, उन मैगजीन्स में, उन न्यूज़पेपर में उन रजिस्ट्रार्स की रिपोर्ट्स को जब पब्लिश किया गया, तो उनमें पता लगता है कि जब यूरोपियंस भारत में आए थे उस समय में, जब 1780s, 1790s और 1800 के दौरान इन्होंने एजुकेशन की तरफ ध्यान देना शुरू किया, उस समय में ऑलरेडी भारत में एग्जिस्टिंग 20 लाख बच्चे पढ़ रहे थे, इतने स्कूल अवेलेबल थे। कोई ऐसा विलेज नहीं था जहाँ पे स्कूल नहीं हुआ करता था, और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एस्पेक्ट होता था जब किसी विलेज में कोई स्कूल नहीं पाया जाता था। कुछ विलेजेस में एक से ज़्यादा स्कूल भी पाए जाते थे, और सबसे बड़ा उदाहरण इसका दिया गया है बंगाल में नदिया स्कूल का। नदिया इलाका आप जानते हैं, तो नदिया स्कूल का जिक्र दिया गया है, जैसे उस समय 1791 की जो रजिस्ट्रार रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसमें बताया गया था कि लगभग 1100 बच्चे पढ़ रहे हैं और 150 टीचर हैं। ये डिग्रेडेड वर्जन था इंडियन स्कूल का। 1680 में ही जब इसी स्कूल का डाटा छापा गया, 1680 का डाटा कलेक्ट करके, तो 4000 बच्चे पढ़ते थे और लगभग हर 15 बच्चों पर एक टीचर था। भारत 1680 से 1790 तक इतना डिग्रेड हुआ था, लेकिन स्टिल आज भी ऐसे स्कूल विलेजेस में एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे नादिया स्कूल या नादिया कॉलेज जिसे आप कहते हैं, जहाँ पर 1150 बच्चे पढ़ सकते हैं और 150 मास्टर उन्हें पढ़ाने वाले हैं। तो भारत में पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग स्कूल एजुकेशन सिस्टम था, जो अलग अलग माध्यम से सर्व होता था, जैसे पाठशाला एजुकेशन थी, जैसे मकताब एजुकेशन थी, जैसे मदरसा एजुकेशन थी, जैसे तोल एजुकेशन थी, इन सारी जगहों के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। हिंदुओं को पाठशाला मेनली और मुसलमानों को मकताब मदरसा के थ्रू एजुकेशन दी जाती थी।
मदरसा जिसे कि इस्लाम में स्कूल कहा जाता है, मकताब कोई भी वो प्लेस जहाँ पर एजुकेशन इम्पार्ट की जा रही है, कोई ग्राउंड है, कोई लॉन है, कुछ भी ऐसा एरिया है, तो ये वर्ड भी आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं। ये सारे वर्ड हमें बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। गुरुकुल सिस्टम बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है और ये भारत में एग्जिस्ट किया करता था, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लैग कहाँ था? प्रिंटिंग मटेरियल नहीं था, ऐसा कहा जाता है। एजुकेशन सिस्टम ऑर्गेनाइज नहीं था, सिलेबस पूरा प्रिपेयर नहीं होता था, ग्रेडेशन सिस्टम नहीं था, एग्ज़ाम नहीं हुआ करते थे, इवेल्युएशन सिस्टम नहीं हुआ करता था, अटेंडेंस रेगुलर नहीं हुआ करती थी, प्रॉपर कोड एंड कंडक्ट नहीं था, टाइम टेबल नहीं था। ऐसे सारी चीज़ें हमने चर्चा की है पहले के लेक्चर में। आई बात समझ में? तो 1820 के अराउंड फाइनली प्रिंटेड मटेरियल प्रिंटिंग प्रेसेस लगा करके विलियम कैरे के द्वारा अपने सीरमपुर इंग्लिश स्कूल इंग्लिश कॉलेज के तहत प्रमोट किया गया। और इसके बाद बड़े लेवल पर इन्हीं प्रिंटिंग मटेरियल के माध्यम से इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को बड़े लेवल पर बूस्ट मिला है, ये बात आपको याद रखनी है। इसको हम रोकते हैं। विलियम कैरे 1800 से 1813 तक इन चीज़ों में सफल हुए सीरमपुर के इलाके में, लेकिन विलियम कैरे की बढ़ती हुई मजबूती को पकड़ को देखते हुए चार्ल्स ग्रांट और विलियम विल्बरफोर्स के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर माउंट कर दिया गया था। और उसी प्रेशर का नतीजा है कि 1813 के चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट 1813 में आया, उस एक्ट के तहत एजुकेशन के लिए 1,00,000 रुपया रखा गया। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट के एंड पर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है और उसके लिए एक अमाउंट सेट असाइड किया गया है। और ये चार्ल्स ग्रांट के प्रयासों से हुआ है, इसलिए चार्ल्स ग्रांट को फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ओके, समझ आ गया किसको कहते हैं? फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया राजा राममोहन रॉय को कहते हैं, पायनियर ऑफ द मॉडर्न इंडिया उनको कहते हैं, लेकिन फादर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया ऐसा चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं, लेकिन वेरी ऑफनली, इंग्लिश में एक वर्ड होता है ऑफनली, ऑफनली कहते हैं, अमूमन ही कह देते हैं अमूमन। ओके, सही बात है। तो यही फादर है भाई, इनको फादर मदर बनने का बड़ा शौक था। कोई कोई डिस्कवरी कर दे तो वो फादर ऑफ द ये हो जाता था, मदर ऑफ द वो हो जाता, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अब सारी प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। 1,00,000 रुपया ग्रांट करा लिया है 1813 एक्ट के तहत, और अब ये 1,00,000 रुपये करना क्या है, ये परेशानी बना हुआ है। ओके, 1,00,000 रुपीज दे दिया गया सुख निदान। ये 1,00,000 रुपीज का जानते हो क्या हुआ, प्रॉब्लम हो गई। पहली बार पैसा सेंक्शन किया है सरकार ने, कैमरे में आ जाऊं, पहली बार सरकार ने पैसा सेंक्शन किया। दिक्कत कहाँ पे आई? 1,00,000 बहुत कम था। स्कूल्स बनाएंगे, कॉलेजेस बनाएंगे, टीचर्स प्रिपेयर करेंगे कि मास एजुकेशन करेंगे, क्या करेंगे 1,00,000 रुपये से कम है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चार्टर एक्ट में 1,00,000 के प्रोविजन में ही कमियां थी। पहला तो ये क्लियर ही नहीं किया कि वेस्टर्न एजुकेशन देनी है इसे, यानी कि एंग्लिशिस्ट या ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटल एजुकेशन देनी, ये क्लियर नहीं था। दूसरा ये क्लियर नहीं था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, ओरिएंटल लैंग्वेजेस या इंग्लिश लैंग्वेज। तीसरा यह क्लियर नहीं था कि मीन्स ऑफ एजुकेशन क्या रहेंगे, अगर वेस्टर्न एजुकेशन भी देना तो मीन्स ऑफ एजुकेशन मैंने स्कूल्स कॉलेजेस कैसे मतलब देना है, किनके जरिए एजुकेशन देना है। एजुकेशन हवा में थोड़ी ना दी जाती है, कोई मीन्स ऑफ एजुकेशन भी तो चाहिए। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं था, मीन्स ऑफ एजुकेशन क्लियर नहीं था, एजुकेशन का नेचर ही क्लियर नहीं था कि कौन सा देना है वेस्टर्न। ये इसके बेसिक फ्लॉज थे 1813 के चार्टर एक्ट के। लेकिन इसने कॉन्ट्रोवर्सी बहुत भारी छेड़ दी। इन कॉन्ट्रोवर्सियों की वजह से ही 1813 से लेकर के 1823 तक यह 1,00,000 रुपये का भी 1 रुपया नहीं लगा, मिला ही नहीं। फाइनली एक कमेटी का गठन किया गया, और यह कमेटी क्या थी? जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस। यह जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की मतलब किस, कौन सा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन अपनाना है, किस लैंग्वेज में देना है। तो जनरल पब्लिक ऑफ जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में जो मेजॉरिटी थी वो ओरिएंटलिस्ट की थी, ओरिएंटलिस्ट की थी 1823 में बनी। ओरिएंटलिस्ट आपको पता है कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की बात करते हैं और ओरिएंटल एजुकेशन की बात करते हैं,
तो इनके द्वारा ओरिएंटल एजुकेशन एंड वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का समर्थन कर दिया गया। इसी के तहत कलकत्ता में 1826 में संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता बनाया गया। ओके कौन सा कॉलेज सुखनिदान? संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता। संस्कृत सीखनी है आपको? यस। ये बनाया गया, ये संस्कृत कॉलेज ऑफ कलकत्ता की पता क्या खास बात थी सुखनिदान? इसके खिलाफ थे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय ये पूरी जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के ओरिएंटलिस्ट कैडर के अगेंस्ट थे। ये सारी की सारी कमेटी में ओरिएंटलिस्ट थे, जिनमें मेन पर्सन एच टी प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ये वही वाले प्रिंसेप्स जिन्होंने अशोका के एडिक्ट पढ़ने के काम किए। जानते हो ना इनको, ब्रह्मी स्क्रिप्टें पढ़ते थे, कहते थे हमें बड़ी जानकारी है भारत के धर्मों की। तो इनके द्वारा बोला कि ओरिएंटलिस्ट कंसेप्ट फॉलो करना है। संस्कृत कॉलेज राजा राममोहन रॉय कहते थे कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन देनी है। थॉमस बेबिंगटन मकौले, टी बी मकौले ने राजा राममोहन राय की इस बात को गलत ले लिया, या फिर सही लिया लेकिन गलत पेश किया। जहाँ राजा राममोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते थे, टी बी मकौले ये कहते थे कि देखिए वो भी तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। राजा राममोहन राय कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन की न्यू साइंसेज, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फिलोसफीज, न्यू पॉपुलर गवर्नमेंट्स, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, न्यू लिबरल राइट्स, न्यू रैशनल थिंकिंग, न्यू लॉजिकल मूवमेंट्स, ये भारत को सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली उन बेड़ियों से मुक्त कराएगा जो भारतीय समाज को पीछे की तरफ लेकर के जा रहा है। ये भारत को सुपरस्टिशन से बाहर निकालेगा, ये भारत को एक डिग्रेडेड सोसाइटी से एक नई सोसाइटी की तरफ लेकर के जाएगा, जिसमें भारत अपने ही कल्चर के पोटेंशियल को समझ करके ग्रोथ करेगा। ये थॉमस, ये राजा राममोहन राय की सोच थी। वो भारत के कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम के विरुद्ध कभी भी नहीं थे। वो उसके ओरिजिनल फॉर्म को लोगों के सामने रखना चाहते थे, उसको और एनरिच करना चाहते थे। उसके लिए वेस्टर्न एजुकेशन को एक यार्डस्टिक बनाया था, क्योंकि वो एजुकेशन कहीं ना कहीं सेकुलर थी, धर्म की बेड़ियों से मुक्त थी। आई बात समझ में? इसके तहत इसलिए वो संस्कृत कॉलेज का विरोध करते थे, और उनको लगता था कि यहाँ पर एक वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के तहत कोई कॉलेज बनना चाहिए, 1,00,000 रुपया इधर जाना चाहिए। लेकिन प्रिंसेप की धाक थी, प्रिंसेप की बात मानी गई, वो ओरिएंटलिस्ट था। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा राममोहन राय के द्वारा अपने लेवल पर प्रयास नहीं किया जा रहे। 1815-17 के अराउंड ही जब राजा राममोहन राय जी के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था, कौन सी सभा का? आत्मीय सभा राजा राममोहन राय ने बनाई है। इस आत्मीय सभा के गठन के दौरान ही राजा राममोहन राय के द्वारा एंग्लो हिंदू कॉलेज बना दिया गया था कलकत्ता में। क्या बना दिया गया था? एंग्लो हिंदू कॉलेज। यही एंग्लो हिंदू कॉलेज, जिसमें राजा राममोहन राय का समर्थन बहुत से लोगों ने किया, 1828 तक आकर के ये प्रॉपर हिंदू कॉलेज के तौर पर जाना गया। इसमें बहुत सारे ब्रिटिश फिलेंथ्रोपिस्ट भी इंक्लूडेड थे, भारतीय एजुकेशनिस्ट भी इंक्लूडेड थे, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं वर्धमान, राजा राधाकांत देव, और एक इंपॉर्टेंट ब्रिटिश पर्सनैलिटी डेविड हेयर। तो डेविड हेयर, राजा राधाकांत देव और राजा राममोहन राय, इन सभी के प्रयासों से ये एंग्लो हिंदू कॉलेज यानी कि हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता बना। और आज की डेट में अगर आप देखें तो समय आगे बढ़ने पर इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता कहा जाने लगा, और 2010 के बाद से ये फुल फ्लेज्ड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ द कलकत्ता कहलाता है। तो आज की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी किसी ज़माने का क्या था? हिंदू कॉलेज, एंग्लो हिंदू कॉलेज, ये बात आपको याद रखनी है। ओके, राजा राममोहन राय यहीं नहीं रुके, उन्होंने दो स्कूल्स और इस्टेब्लिश किए, जिसमें से 1828-1829 का एक स्कूल चिनसुरा में और 1840 का भवानीपुर में। तो चिनसुरा और भवानीपुर के स्कूल भी राजा राममोहन राय के क्रेडिट में जाते हैं। इसलिए राजा राममोहन राय की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, उन्हें पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, एजुकेशन की दिशा में वो काम करते रहे। बस ये सुनो कि 1823 में ये हो गया, ये जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का काम था। कहानी आगे बढ़ी, डिसीजन आज भी क्लियर नहीं है कि ओरिएंटल एजुकेशन को प्रमोट करना है या क्या करना है, ओरिएंटल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना है। इस डिबेट के तहत डिसाइड करने का मौका गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दिया गया। अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंदर लॉ मेंबर के तौर पर एक मेंबर बैठे हुए हैं, टी बी मकौले, थॉमस बेबिंगटन मकौले, और मकौले को डिसीजन देने के लिए कहा गया, उनको प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करने को कहा गया, और मकौले इस कंक्लूजन पर पहुंचे जिसे हम मकौले माइन्यूट कहते हैं। इट इज मकौले माइन्यूट। मैकॉले माइन्यूट, मैकॉले ने क्लियर कर दिया कि सिंपल एस्पेक्ट ये है
कि वेस्टर्न एजुकेशन ही दी जाएगी, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, डन। और वेस्टर्न एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगी इंग्लिश, इंग्लिश का यूज किया जाएगा। तर्क उनका क्या दिया, पहला उनका मानना ये था कि जो ओरिएंटल ओरिएंटल नॉलेज है, जो ओरिएंटल लिटरेचर है, यह बहुत ही इन्फीरियर है, बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग है और बहुत ही सब मिनिमल स्टैंडर्ड की है। ये किसी तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं करती, किसी तरह के न्यू इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट नहीं करेगी, हमारी नई एडमिनिस्ट्रेटिव नई सिविल सर्विसेज रिक्वायरमेंट को ये पूरा नहीं करती, ये वर्ल्ड लेवल पर नए उभरती संभावनाओं के साथ अडेप्ट नहीं हो सकेगी। और इसी तरह से उन्होंने वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की भी इंसल्ट की, उनका मानना ये था कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की ग्रामर, वर्ड वोकैबुलरी, सेंटेंस फॉर्मेशन अभी उतनी डेवलप्ड ही नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप्ड नॉलेज, साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, लॉज को वो एक्सप्रेस कर सके। तो जब एक्सप्रेशन ही प्रॉपर नहीं आएगा तो लैंग्वेज क्या करनी। उनका मानना ये था कि पूरे ओरिएंटल वर्ल्ड की लिटरेचर यूरोप की किसी एक लाइब्रेरी में रखी एक शेल्फ की किताबों के बराबर है, तो इसलिए उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट किया एंड इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अपनाया। ये थॉमस का माइन्यूट कहता है, मकौले का। इसके तहत फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने पर्शिया को, पर्शियन को एज ए लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कार्ड किया। आज के बाद से पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज नहीं रहेगी, इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनेगी। तो किस माइन्यूट के द्वारा इंग्लिश को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया गया, मैकॉले माइन्यूट, ठीक है। उनका मानना ये था कि बेटर वे में अगर एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना है तो आपको ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड फिलोसफीज के तहत जो भी थ्योरीज, जो भी इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स हैं, कंसेप्ट हैं, उन्हें समझना होगा। उसके लिए इंग्लिश एजुकेशन इज फार बेटर टू मैनेज द इंडिया। और दूसरा आस्पेक्ट ये था कि जब तक पर्शियन लैंग्वेजेस के थ्रू मैनेज करेंगे, आपको ऑलरेडी अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का यूज़ लेना ही पड़ेगा। जब आप खुद को पैरामाउंट पावर के तौर पर दिखाना चाहते हैं तो ह्यूमन मैन पावर तो इंडिया की हो, लेकिन निर्भर वो हम पे हो, टेस्ट वाइज, कल्चर वाइज, मॉरल वाइज, वैल्यू वाइज, तो वो हमारी लैंग्वेज में डील करें, अपनी लैंग्वेजेस में नहीं। इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। और मैकॉले का कहना ये था कि अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि 1,00,000 रुपये से एजुकेशन इतने लोगों को कैसे देंगे, तो इसलिए उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी। इसके तहत उसने ये किया कि हम सिर्फ कुछ सेलेक्टेड फ्यू और डेवलप्ड यानी कि हाई एंड मिडिल क्लास एजुकेटेड सेगमेंट को ही इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेट करेंगे और वहाँ से सारी नॉलेज इनफिल्ट्रेट होकर के नीचे की तरफ आएगी और मासेस को मिलेगी। यानी कि कभी भी गलती नहीं करेंगे, मकौले ने पॉपुलर एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया है। MCQs में हम फंस जाते हैं, पॉपुलर एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया, पॉपुलर एजुकेशन मतलब पॉपुलेशन की, मास एजुकेशन को सपोर्ट नहीं किया। और नहीं किया, किसको सपोर्ट किया, कुछ लोगों को एजुकेशन देने का। यानी कि वो ये कहता था कि हम अपने लिमिटेड फंड से स्कूल्स या कॉलेजेस उस लेवल पर नहीं बना सकते हैं, ये बात तय है, लेकिन हम कुछ लोगों को डेवलप कर सकते हैं। वो लोग जब इंग्लिश सीख जाएंगे तो अल्टीमेटली वो अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को भी हाई लेवल पर डेवलप करने का काम करेंगे। इन वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को वो डेवलप तभी कर सकते हैं जब उन्हें यह ज़रूरत महसूस होगी कि उन्हें जो इंग्लिश लैंग्वेज से नई साइंस आ गई है, नए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के कंसेप्ट्स आ गए हैं, नए लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सीख लिए हैं, नए पॉपुलर पॉलिसीज उन्हें आ गई हैं, ये अब आम जनमानस तक पहुंचानी है। जनमानस वर्नैकुलर लैंग्वेजेस जानता है, अरबी जानता है, फारसी जानता है, उर्दू जानता है, हिंदी जानता है, संस्कृत जानता है। ये वर्नैकुलर लैंग्वेजेस के माध्यम से लोगों को एजुकेट किया जा सकता है। इसके लिए वो मजबूर होंगे अपनी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को पहले डेवलप करने के लिए, ताकि वो अपनी अर्नड नॉलेज का एक्सप्रेस कर पाएँ। तो अल्टीमेटली मैं भी तो वही कर रहा हूँ, वर्नैकुलर का डेवलपमेंट ही तो कर रहा हूँ। तो वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को मैं डेवलप कराऊँगा वाया फ्यू डेवलप्ड सोसाइटी के द्वारा, जो इंग्लिश एजुकेशन के माध्यम से डेवलप्ड होंगे और वो न्यूक्लियस का काम करेंगे, वो हमारी दी हुई नॉलेज को लोगों में स्प्रेड करेंगे उनकी भाषा में। इसके तहत समाज का विकास होगा। देखिए, कान इधर से पकड़ा, उसने ये भी जस्टिफाई कर दिया कि वो भी तो वर्नैकुलर की ग्रोथ की बात कर रहा है, वो भी तो अगेंस्ट नहीं है,
लेकिन किनके माध्यम से? उनके माध्यम से जिन्हें वो ट्रेंड करेंगे और वो सिलेक्टेड लोग होंगे। इसी के तहत भारत में जहाँ सारी खाइयाँ बनी, डिवाइड आए, वहाँ पे एक डिवाइड ये भी आया, फ्यू एजुकेटेड एंड मास इलिटरेट पीपल के बीच में डिवीजन का कंसेप्ट बोने का काम ये मैकॉले के माइन्यूट ने कर दिया था, ये बात आप याद रखना। और इसी के तहत इनकी जो कंसेप्ट दिया गया था कि मैं रक्त और चमड़े से तो भारतीय, लेकिन सोच से, समझ से, अपने कारनामों से, कृत्यों से, अपनी संस्कृति से एक ऐसा वर्ग जन्मूंगा जो अंग्रेज होगा। और तब से एक डिवाइड आज आप भारत में देख रहे हैं, द सो कॉल्ड अर्बन एंड द रूरल डिवाइड, द सो कॉल्ड एजुकेटेड एंड इलिटरेट, सो कॉल्ड हाई एंड लो सोसाइटी। ये एक डिवीजन नया क्रिएट हुआ था। आई बात समझ में? तो मैकॉले माइन्यूट में मास एजुकेशन का सपोर्ट नहीं किया गया, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन माना गया, वेस्टर्न एजुकेशन की बात की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इंग्लिश को बना दिया गया और फ्यू लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात की गई। ये सारी बातें किसने कर दी हैं? मैकॉले ने। इतनी बात क्लियर? आप कहेंगे कि ये जो बात कही गई है कि वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस का विकास करके लोगों तक नॉलेज पहुंचाई जाएगी, इस सोच तक मैकॉले कैसे पहुंचा होगा? इस सोच तक पहुंचने का आधार है वही पर्सन जिसको हमने छोड़ दिया था, उसे फिर से यूज करते हैं, विलियम कैरे। विलियम कैरे सीरमपुर जानते हैं ना, भूल तो नहीं गए? और दूसरा पर्सन नथालियन हेलहेड, ये दो पर्सन इंपॉर्टेंट है। विलियम कैरे के द्वारा पर्पस है बैप्टिस्ट मिशनरी है, क्या करेगा, कैसे लोगों को बाइबल पढ़ाएगा? बाइबल पढ़ानी पड़ेगी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में। वो कैसे हो सकती है जब तक वर्नैकुलर लैंग्वेज में बाइबल कन्वर्ट ही ना हो? वो कैसे हो सकता है जब तक वर्नैकुलर लैंग्वेज को स्ट्रीमलाइन ही ना किया जाए वाया ग्रामर? तो ग्रामर का डेवलपमेंट तो करना होगा, तो बंगाली ग्रामर का विकास किया हेलहेड ने, याद रखें, ठीक है? बंगाली ग्रामर का विकास करने वाला ये पर्सन है, उसका पर्पस ये था कि बाइबल कन्वर्ट की जाएगी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में, लोगों को पढ़ाई जाएगी, इसी नॉलेज के माध्यम से तो लोग ये समझ पाएंगे कि कैसे बाइबल सुपीरियर है रामायण से। बात समझ में आई? और जब तक ग्रामर नहीं होगी, बंगाली का ज्ञान नहीं होगा, तब तक कैसे बंगाली में लिखी हुई रामायण उसको हम कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे? जब तक उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, समझेंगे कैसे? जब तक समझेंगे नहीं, कंपैरिजन कैसे होगा, एनालिसिस कैसे होगा, इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? तो विलियम कैरे है जिसने रामायण इंग्लिश में कन्वर्ट की है, याद रखो। किसने कन्वर्ट की है? विलियम कैरे ने रामायण इंग्लिश में कन्वर्ट की है। तो ये सब तो पहले से हो रहा था वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का विकास करना, और यही मैकॉले के माइन्यूट में भी आपको दिखा कि एजुकेटेड इंडियंस ये सारे काम करेंगे। ये सब चलता रहा, लेकिन कुछ परिवर्तन देखने को मिले हमें भारत में कुछ केस स्टडीज के तौर पर। वो केस स्टडीज कैसी हुई? सबसे पहले 1842 में एक कंसेप्ट आ गया, वो जो जनरल कमेटी ऑन द पब्लिक इंस्ट्रक्शन थी वो अबेंडन की गई और 1842 में उसकी जगह पर काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। और काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अंदर कुछ इंडियन मेंबर्स भी इंडक्ट किए गए। आज के बाद ये निर्णय लेगी, यानी कि कमेटी से स्टेटस बढ़ के अब काउंसिल तक आ गया है, एजुकेशन सीरियसली ली जा रही है, ये एक बात है। दूसरा, इंग्लिश एजुकेशन को बूस्ट मिले उसके तहत मैकॉले ने ही एक प्रोविजन स्टार्ट कर दिया था कि फ्री में इंग्लिश बुक्स पब्लिश की जाती थी प्रिंट, और बहुत सस्ते दामों पर बेची जाती थी ताकि मेजॉरली इंग्लिश बुक्स बिके, लोगों का रुझान इंग्लिश की तरफ आए। उसको सपोर्ट किया 1843 के लॉर्ड हार्डिंग के डिसीजंस ने। लॉर्ड हार्डिंग ने यह डिसीजन जारी कर दिया कि इंग्लिश एजुकेशन प्रेफरेबल रहेगी गवर्नमेंट जॉब्स में, इसकी वजह से लोग बड़ी तेजी से इंग्लिश एजुकेशन की तरफ रुझान पाते हुए नजर आए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स लेना लोगों की रिक्वायरमेंट हुआ करता था। इसी समय में एक एक्टिविटीज ये हो रही है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, काफ़ी बड़ा इलाका ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुका था। ऐसे में ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, यहाँ पर एक पर्सन हुआ करते थे जेम्स थॉम्सन। जेम्स थॉम्सन के द्वारा थॉम्सन प्लान दिया गया, जिसे हम थॉम्सन प्लान कहते हैं। इस थॉम्सन प्लान के तहत क्या किया गया? जेम्स थॉम्सन ने वो कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जो कंसेप्ट मैकॉले माइन्यूट में था। जेम्स थॉम्सन ने लोकल कंडीशंस और लोकल कस्टम को समझते हुए अपनी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। उन्होंने विलेज एजुकेशन को प्रमोट किया, उन्होंने विलेज एजुकेशन को प्रमोट किया और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन किसको रखा? वर्नैकुलर्स को। उनका मानना यह था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसके नए नए इलाके अभी जीते गए हैं,
वहाँ पर बड़े लेवल पर रेवेन्यू, जुडिशरी एंड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए स्टाफ चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन इतना शॉर्ट टर्म मेजर नहीं है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। और ये रेवेन्यू, जुडिशरी, PWD, ये सारे काम बड़े लेवल पर अभी लोकल लैंग्वेजेस में ही हो रहे हैं, क्योंकि अभी अभी एरिया इंडक्ट हुआ है ब्रिटिश रूल के अंडर। इसके तहत हमें लोकल लोगों को ही रिक्रूट करना पड़ेगा। बेटर ये है कि वो हमारे ऑर्डियल बेस्ड सोसाइटी को, रूल एंड ऑर्डर बेस्ड प्रशासन को समझ सकें। उसके लिए बस उन्हें हमें वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में ही एक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और उस एजुकेशन के तहत वो ऑर्डियल हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम समझ के रेवेन्यू, जुडिशरी एंड PWD सिस्टम में सबऑर्डिनेट पोस्ट पे काम कर सकते हैं क्लरिकल लेवल पे। ऐसा थॉमसन ने वहाँ पर किया। ओके, प्रोसेस आगे चलता रहा, समय आया मैगोले का, जो माइन्यूट है इसके ऊपर रिव्यू आना जरूरी था, उस रिव्यू को करना जरूरी, और भारत में एक रिव्यू और आना था, 1813 के चार्टर एक्ट का रिव्यू होना था। उस रिव्यू के तहत 1853 का चार्टर एक्ट आना था। तो 1853 का चार्टर एक्ट आए, उसके पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि हम भारत में एक पहले बेहतर एजुकेशन पॉलिसी देने का काम करें, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इसके तहत ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, रिसर्च वर्क होने लगा था। 1835 का मैकॉले के द्वारा जो मैन्यूट दिया गया था, उसकी समीक्षा, उसकी इवैल्यूएशन होने लगी थी। तो वहाँ पर जो सारा प्लान तैयार हुआ वो होके रख लिया। 1853 में भारत में 1853 का चार्टर एक्ट आया, और ठीक 1854 में ब्रिटेन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन चार्ल्स वुड के द्वारा जो वहाँ की पार्लियामेंट के सेंटीमेंट भारत को एक्सप्रेस किए गए, जो पेपर भारत भेजा गया, द डिस्पैच ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस डिस्पैच को हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच। तो वुड्स डिस्पैच भारत आया, और ये जो वुड्स का डिस्पैच है, ये मैग्ना कार्टा है इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का। मैग्ना कार्टा मतलब ये एक इस तरह का बिल ऑफ राइट्स, जिसे हम मैग्ना कार्टा का मतलब द बिल ऑफ राइट्स, एक अधिकार, यानी कि आने वाले समय में इसी के बेसिस पर अब चीज़ें चलेंगी। आई बात समझ में? तो एक मैग्ना कार्टा कहलाया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, याद रखें इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम। और क्या कहता है वुड्स डिस्पैच, इसे अब हम लॉजिकली समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो वुड्स डिस्पैच के द्वारा ये कहा गया कि इस बात को तो आप तय कर लीजिए कि भारत में वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम दिया जाएगा। इस पर अब मोहर लग गई है, डिबेट खत्म हुई। ओरिएंटल एजुकेशन सिस्टम नहीं रहेगा, एंग्लिसिस्ट एजुकेशन सिस्टम रहेगा। ये क्लियर हुआ आपको? वेस्टर्न मतलब एंग्लिसिस्ट। क्या पढ़ाए जाएंगे? नए साइंसेस, लॉ, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इनकी नॉलेज दी जाएगी लोगों को। ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा? इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, वुड्स डिस्पैच के द्वारा ग्रेडेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन रखा गया। ग्रेडेड सिस्टम मतलब प्राइमरी स्कूल होगा पहले, सबसे नीचे, उसके ऊपर मीडियम स्कूल, उसके ऊपर हाई स्कूल, उसके ऊपर सेकेंड कॉलेज, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी। ये सिस्टम फॉलो किया गया। इसमें ये बोला गया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो प्राइमरी माने एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, एलिमेंट्री एजुकेशन वर्नैकुलर में होगी, ये वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में होगी। ध्यान से देखिए, आज दिन तक यही फॉलो हो रहा है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को देखिएगा, छःवीं क्लास के बाद इंग्लिश रखती है, ऐसा देखते हैं आप। तो प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन वर्नैकुलर में होगी, हायर एजुकेशन इंग्लिश में होगी, ठीक है? तो दो लैंग्वेज सिस्टम बताया गया, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन ये वर्नैकुलर्स में होगी, और हायर एजुकेशन इंग्लिश में होगा। क्लियर ये बात? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने मैकॉले माइन्यूट को डिस्कार्ड किया, एटलीस्ट थ्योरेटिकली। मतलब जब ये बात कहता है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन वर्नैकुलर में होगी और हायर एजुकेशन इंग्लिश में होगा, तो मतलब ये स्वीकार करता है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। माने ये मास एजुकेशन की बात कर रहा है, पॉपुलर एजुकेशन की बात कर रहा है, एजुकेशन ऑफ फ्यू पीपल नहीं कह रहा। तो वुड्स डिस्पैच मास एजुकेशन की बात करता है। ओके, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरा, वुड्स डिस्पैच ने वुमेन एजुकेशन की बात की,
इसने कहा कि वुमेन एजुकेशन भी ज़रूरी है। वुड्स डिस्पैच ने ये नीड फील की कि जब तक टीचर्स ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक अच्छा स्टाफ नहीं मिलेगा हमें बच्चों को, तो टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल की बात की। इसके लिए नेटिव सोसाइटीज़ एंड बुक सोसाइटीज़ गठित की गई। इन नेटिव सोसाइटीज़ एंड बुक सोसाइटीज़ की जिम्मेदारी लगाई गई कि आप टीचर्स डेवलप करेंगे, आप टीचर्स को ट्रेंड करने का काम करेंगे। तो ग्रेडेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन देने की बात की, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम होगा ये बात की, एलिमेंट्री एजुकेशन में वर्नैकुलर्स, हायर एजुकेशन में इंग्लिश यूज़ होगी, मास एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करी है, एटलीस्ट ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। वुमेन एजुकेशन होगा इसकी बात की है, टीचर ट्रेनिंग रहेगी वो नेटिव एंड बुक सोसाइटीज़ के माध्यम से आप टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करेंगे। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी लाया जाए एजुकेशन सिस्टम में और ग्रांट इन एड सिस्टम के माध्यम से उन्हें सपोर्ट किया जाए ताकि प्राइवेट हो सके एजुकेशन। लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन का मेन समर्थक होगी 1882 में आने वाली हंटर कमीशन। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेट स्टेक होल्डर भी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी एजुकेशन में आनी चाहिए, इसकी बात वुड्स डिस्पैच में कह दी गई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वुड्स डिस्पैच ने ये माना तो ग्रांट इन एड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर तभी आएगा अगर उन्हें ग्रांट मिलेगी, अफिलिएटेड हो जाएगा वो, फिर उन्हें ग्रांट मिलेगी। अगला सिस्टम जो आया वो क्या था, वुड्स डिस्पैच में ये कहा गया कि भारत में लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पर इंडिया में बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो इसी के तहत 1857 में आप जानते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ओके, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड मद्रास यूनिवर्सिटी आई। किसके तहत आई? इसी के तहत आई। देखिए आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी के बेसिस पे, इसका मतलब इसमें वो सारी चीज़ें होंगी। इसमें एक सीनेट होगा, इसमें चांसलर होगा, इसमें वाइस चांसलर होगा और इसमें फेलोज होंगे। सुनते हो ना, रिसर्च फेलोज, तो मित्र बन के ही घुस सकते हो ना एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में, यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए फेलो वर्ड है। फेलो बीइंग कहते हो ना, माई क्लास फेलो, येलो येलो डर्टी फेलो, सुने ही रखे आपने ये सब बातें, आपको तो फेलो का ज़्यादा पता होगा। ये देख लो, सीनेट होगा, चांसलर होगा, वाइस चांसलर होगा, फेलो होंगे, ऐसा बोला गया 1823 की जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस अबेंडन करके 1842 में बना काउंसिल ऑफ एजुकेशन, अबेंडन कर दिया गया, अब बना है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। क्योंकि यह माना गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन तब तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकता जब तक इंस्पेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट का प्रॉपर मैकेनिज्म इस्टेब्लिश ना किया जाए। इंस्पेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट तभी प्रॉपर हो सकती है अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होगा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि वो कॉलेजेस को अफिलिएट करेंगे, यूनिवर्सिटी को अफिलिएशन देंगे, इसके तहत इंस्पेक्शन किया करेंगे, इम्प्रूवमेंट के प्रोविजन दिया करेंगे, नई गाइडलाइंस इशू किया करेंगे, रोड मैप दिया करेंगे। और ये कहा गया कि तकरीबन अब तक जितनी भी पाँच की पाँच प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के अधीन है, हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें चाहिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यों अलग है पहले की कमेटी और पहले की काउंसिल से, उन्हें ख़त्म किया जा सकता है बहुत ईजिली और वो टाइम टू टाइम बनाई जाती हैं, बट इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट आया, लगभग हर प्रोविंस में बनाने का काम किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट वुड्स डिस्पैच का जो ये था वो ये था कि जितनी भी प्रोविंसेस हैं हर प्रोविंस पर एजुकेशनल जोन में बांटने की बात की गई। मान लीजिए बंगाल प्रेसिडेंसी है ये, इसे एजुकेशन जोन्स में बांटने की बात की गई और हर एजुकेशन जोन में एक स्कूल बनाने की बात की गई। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी 9 एजुकेशनल जोन्स में बटी थी और हर जोन में एक स्कूल मैंडेटरी था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सारी बातें हैं जो वुड्स डिस्पैच कहता है, ओके। ये बातें आपको भूलनी नहीं है। एजुकेशन जोन्स बनाने की बात की, एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया, लंदन यूनिवर्सिटी के बेसिस पर 3 यूनिवर्सिटीज़ बनाने का काम किया, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आए उसके लिए ग्रांट इन एड मैकेनिज्म की बात की, टीचर ट्रेनिंग सिस्टम इस्टेब्लिश हो उसके लिए बुक सोसाइटीज़ एंड नेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करने की बात की, जो नई बुक्स पब्लिश करे, टीचर्स को मोटिवेट किया जाए कि आप अपनी बुक पब्लिश करिए। आज दिन तक आप देखें प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स अपनी बुक्स पब्लिश करते हैं, उन्हें उसके माध्यम से एजुकेट करने का प्रयास किया गया। वेस्टर्न एजुकेशन की बात की गई, हायर एजुकेशन में वेस्टर्न एजुकेशन रहेगा, लोअर एजुकेशन में वेस्टर्न एजुकेशन रहेगा, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्नैकुलर होगा, हायर एजुकेशन का इंग्लिश होगा और एजुकेशन में साइंस पे फोकस होगा
आर्ट पे फोकस होगा, वेस्टर्न आर्ट्स पे, मेडिसिन पे फोकस होगा, लॉ पे फोकस होगा, नई एडमिनिस्ट्रेटिव और नई टेक्निक्स पे फोकस होगा। ये सारा कुछ वुड्स डिस्पैच है, ये मैग्ना कार्टा कहलाया है, ये चलता रहा। इसकी समीक्षा करने के लिए भारत में 1882 में WW हंटर कमीशन आया। ध्यान रखें, हंटर कमीशन से कंफ्यूज ना हो, जलियांवाला बाग के बाद भी हंटर कमीशन आया था, ये हंटर कमीशन अलग है, ये विलियम हंटर कमीशन है और इसे नेशनल कमीशन ऑन ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, लॉर्ड रिपन के अधीन ये आया है।